العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات بيت محمد وآل محمد شب جمعہ کی مجالس اور ان مجلسوں میں بات اخلاق پیغمبر کی ہو رہی تھی اور اس سے قبل آپ کی خدمت میں پیغمبر خطی مرتبت کی زندگی اور آپ کی سیرت کے کچھ گوشے پیش کیے تھے کہ پیغمبر کے گھر کے اندر کی زندگی، پیغمبر کے بیٹھنے کا انداز، پیغمبر کے چلنے کا طریقہ، پیغمبر کے بولنے کا انداز، پیغمبر کے ہنسنے یا مسکرانے کا طریقہ، پیغمبر اپنے والدین، عزیز اقربا، رشتہ داروں اور پھر پچھلے شب جمعہ میں پڑوسیوں کے ساتھ پیغمبر کا برتاؤ اور پیغمبر کا سلوک، پیغمبر کا برتاؤ اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ عام طور سے یہ ایک سخت آزمائش اور امتحان کی منزل ہوتی ہے، انسان کو ماپنے اور انسان کو تولنے کی، کہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ پیغمبر خطی مرتبت کا کمال یہ ہے کہ جو اخلاق آپ نے گھر میں، باہر، دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ پیش کیا ہے، آپ کا جو دشمنوں کے ساتھ کردار رہا ہے وہ بھی نمونہ کردار ہے۔ پیغمبر خطی مرتبت کا یہ جو کردار تھا دشمنوں کے ساتھ، پہلے آپ ان دشمنوں نے جو دشمنی کی اس کے اوپر نظر کریں، جس محمد کے راستے میں کانٹے بچھائے ہوں، جسے پتھر مارے ہوں، جسے گالیاں دی ہوں، جسے تانے دیے ہوں، جس کا اکنامک بائیکاٹ کیا ہو، جس کی جان لے لینے کے درپے ہوں، جس سے اس کا وطن چھڑایا ہو، اور وہ بھی عام وطن نہیں، مکے جیسا وطن جہاں خانہ خدا ہے، جہاں حرم الہی ہے، جس سے جنگیں لڑی ہوں، اور پھر اسی پیغمبر کا کردار ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پتھر مار رہے تھے، جو کانٹے بچھا رہے تھے، جو سر پہ خس و خاشاک پھینک رہے تھے، جو گالیاں دے رہے تھے، جو تانے دے رہے تھے۔ مکے میں جو پیغمبر کا کردار تھا وہ تو تھا ہی، اور یہی پیغمبر کے کردار کا کمال ہی تھا، اور یہ پیغمبر کے کردار کی بلندی تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر
लोग पैगंबर की तरफ खिंचे चले आ रहे थे, खिंचे चले आ रहे थे। वरना अकेले पैगंबर है मक्के में। मैं अक्सर इस मौके के ऊपर कहा करता हूँ कि आमतौर से पढ़ लेना, सुन लेना और किताबें पढ़ के गुजर जाना आसान है, लेकिन कभी आप सोचिए, आप अपने शहर का खाली एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ माशाल्लाह से इस वक्त बहुत बड़ी तादाद माशाल्लाह से कलमा गो हजरात की है जो कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस माहौल में भी क्या किसी की हिम्मत है कि किसी चौराहे पे जाके खड़े हो के कहे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, कहो अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओगे? है हिम्मत किसी के अंदर कि किसी रोड के ऊपर जाके कहे कि देखो बस अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक, कामयाब हो जाओगे? नहीं हिम्मत है, नहीं हो सकता है, नहीं कह सकता है, नहीं कर सकता है। पैगंबर मक्के में अकेले हैं, पूरा मक्का बुतपरस्त है, साथ में कौन? एक 10 बरस का बच्चा अमीरुल मोमिनीन, पुश्त पनाह कौन? जनाब अबू तालिब, बाकी पूरा मक्का मुखालिफ। और इसी मक्के में घर के अंदर नहीं, रोड के ऊपर आके चौराहे पे आके कह रहे हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, पहाड़ के ऊपर जाके बुलंदी के ऊपर पूरी बस्ती को आवाज दे रहे हैं, इसी सफा की पहाड़ी के ऊपर से आवाज दे रहे हैं, इसी मरवा की पहाड़ी पे से आवाज दे रहे हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, कहो अल्लाह एक है, कामयाब। किससे कहा जा रहा है? जो कई खुदाओं के मानने वाले उनसे, जिन्होंने अलग अलग खुदाओं की सूरतें बना रखी थी, अलग अलग खुदाओं के नक्शे बना रखे थे, हर खुदा की अलग अलग अंदाज से इबादत करते थे, उनसे पैगंबर कह रहे थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, कहो अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओगे, कहो अल्लाह एक है, फलाह पा जाओगे। जाहिर सी बात है, जो रिएक्शन होना चाहिए था वो हुआ, जो रिएक्शन होना चाहिए था वो हुआ। अब जब पैगंबर ने यह आवाज बुलंद की, अगरचे पूरा पैगंबर मक्का पैगंबर को बहुत अजीज रखता था, बहुत दोस्त रखता था, बहुत मानता था, सब आपको सादिक कहते थे, सब आपको अमीन कहते थे, लेकिन जैसे ही यह आवाज बुलंद हुई पूरा मक्का मुखालिफ हो गया। अब रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं, गालियां हैं, ताने हैं, बायकाट है, खुद जान ले लेने की तैयारी है। पैगंबर ने मक्का छोड़ दिया, मदीने तशरीफ ले आए। मदीने में आने के बाद भी वो दुश्मन के जो मक्के में कांटे बिछा रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर मार रहा था, रास्ता रोक रहा था, रुकावटें खड़ी कर रहा था, पैगंबर की जान ले लेने के दर पे था, ये दुश्मन यहां से वहां तक लड़ने के लिए आ गया। मदीने, बद्र, उहद और खंदक जैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां इन्हीं कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का से हुई हैं कि जो पैगंबर का रास्ता और पैगंबर की तबलीग में आड़े आ रहे थे। लेकिन पैगंबर ने इनके साथ सुलूक क्या किया? पैगंबर ने इनके साथ क्या बर्ताव किया? पैगंबर जब जंग खंदक हो चुकी और जंग खंदक के बाद पैगंबर ने देखा कि अब कुफ्फार और मुशरिकीन का जो वो कि वो जो मुखालिफत थी वो ख़त्म हो गई, वो दब गई, क्योंकि खंदक के मौके पे अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी थी पैगंबर को कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कुफ्फार और मुशरिकीन के अंदर एक खौफ पैदा हो गया था, हिरास, और मुसलमानों की क़ुव्वत और ताकत में इजाफा हो गया था, तादाद में इजाफा हो चुका था। लिहाजा पैगंबर ने कहा कि चलो अब चलते हैं फिर दोबारा मक्के, और मक्के चल के हम खाने खुदा की ज़ियारत करेंगे, उमरा बजा लाएंगे, खाने खुदा का तवाफ करेंगे। पैगंबर निकले लेकिन इन लोगों ने रास्ता रोक लिया पैगंबर का मक्के से बाहर आते ही। अब जब रास्ता रोका तो वहां के ऊपर एक सुलह हुई, जिस सुलह को सुलह हुदैबिया कहते हैं। उसमें एक शर्त ये रखी गई कि आप इस साल वापस जाइए, आइंदा साल आप तशरीफ लाइएगा। पैगंबर ने इस शर्त को कबूल किया, अगर चीज की और भी तफसीलात हैं लेकिन उन तफसीलात में जाना नहीं है। पैगंबर का अखलाक दुश्मनों के साथ, पैगंबर वापस हो गए, दूसरा साल आया, पैगंबर निकले मक्के के लिए,
पैगंबर के साथ 10,000 अफराद थे, 10,000 अफराद पैगंबर के साथ। पैगंबर मक्के से जब आए थे तो तन्हा आए थे, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था। जो कलमा जिन्होंने पढ़ा था उनको पैगंबर ने पहले ही या हबशा या मदीना भेज दिया था। कोई मदीने में मक्के में हालात इतने खराब थे। अब जब वापस पैगंबर मक्के जा रहे हैं, 10,000 अफराद पैगंबर के साथ है। पैगंबर ने एक नहायत ही तदबीर के साथ, एक हिकमत अमली के साथ पैगंबर मक्के में दाखिल हुए। ऐसे ही नहीं दाखिल हुए, बाकायदा पूरे हिकमत के साथ, एक तदबीर के साथ पैगंबर मक्के में दाखिल हुए, जिसकी बुनियाद पर इन कुफ्फार और मुशरिकीन के दिलों में रोब पैदा हो गया, एक घबराहट, एक खौफ। 10,000 अफराद इनके साथ आए, देखो आज खैरियत तो है, होगा क्या। और चाहते तो वाकई पूरे मक्के पे कब्जा करके इनके साथ जो चाहते सलूक करते। कल पैगंबर के अफराद अकलियत में थे, ये अक्सरियत में थे। आज पैगंबर के साथ जो अफराद है वो अक्सरियत में, ये अकलियत में, ये कम है। जो चाहते इनके साथ इनको असीर करते, इनको कैदी बनाते, इनको बंदी बनाते, इनको अपने साथ ले आते, इनको मार देते, इनको कत्ल कर देते, इनको सूली पे लटका देते, इनको फांसी दे देते। जो चाहते पैगंबर कर सकते थे मक्के में, लेकिन पैगंबर ने किया क्या? इतने सब करने के बाद कि जहां जिस पैगंबर को का रास्ता रोका हो, जिसको गालियां दी हो, जिसकी पैरों के नीचे, कदमों के नीचे कांटे बिछाए हों, जिसको पत्थर मारे हों, जिसका बायकाट किया हो, जिसकी जान ले लेने के दर पर हो, जिसका घर गहरा हो, उसी पैगंबर ने इनके साथ किया क्या? अब जब ये आए हैं पैगंबर की खिदमत में, पैगंबर मक्के में हैं, और क्योंकि खुद ये पैगंबर के अखलाक और किरदार से वाकिफ थे, ये पैगंबर के किरदार और अखलाक को जानते थे, लिहाजा अंदर 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 छोटे छोटे मकान होते थे, मकान आपस में मिले होते थे, पहले के वो जो मकान होते थे, मकान आपस में मिले होते थे, ये सब आपस में एक दूसरे मकानों से एक मकान में जमा हुए। जमा होने के बाद इन्होंने तय किया, किया क्या जाए का घबराने की बात नहीं। ये खुद कुफार मुशरिकीन कह रहे हैं, अगरचे पैगंबर की तरफ से खुद पैगंबर के आने की खबर देने वाला शख्स पूरे मक्के में कत्लो गारतगरी की बात कर रहा था, अलयौम यौमुल मलहमा, आज कत्लो गारतगरी का दिन है, मतलब यह था कि जो भी इस्लाम न लाए मार दो उसको, कत्ल कर दो उसको। लेकिन पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने जब यही कुफ्फार मुशरिकीन जमा हुए हैं, कहा कि हो ना हो ये मोहम्मद की आवाज तो नहीं हो सकती, एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो ना हो ये मोहम्मद की आवाज नहीं हो सकती, ये जो भी नारा लगा रहा है या अपने दिल से नारा लगा रहा है, ये खुद अपनी तरफ से नारा लगा रहा है, ये मोहम्मद का नारा नहीं हो सकता। ये है किरदार पैगंबर का। फिर क्या किया जाए? कहा चलो मोहम्मद की खिदमत पे। दूसरा होता हिम्मत पड़ती ऐसे माहौल में, नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या कर दे। जनाब मूसा जब फिरौन के पास जा रहे थे तो अल्लाह ने कहा डरना नहीं, घबराना नहीं, हम हैं। पता नहीं क्या करते वो, हम तो वहां से मिस्र से निकले थे और निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस 10 साल के बाद, देखो पता नहीं क्या करे वो। लिहाजा कुदरत ने तसल्ली दी थी, दिलासा दिया था, हौसला बढ़ाया था, जनाब मूसा के साथ हारून को साथ किया था ताकि अच्छे से कलाम, अच्छे सी बात, अच्छे से मुखातब कर सकें। आज ये सारे कुफ्फार और मुशरिकीन पैगंबर की खिदमत में आ रहे हैं। पैगंबर की खिदमत में जब आए हैं तो आने के बाद कहते हैं कि मोहम्मद तुम तो बड़े करीम हो। ये कुफ्फार और मुशरिकीन के जुमले तारीख में मौजूद हैं, मोहम्मद तुम तो बड़े करीम हो, तुम्हारे वालिद भी बहुत करीम थे, तुम्हारे दादा भी बहुत करीम थे। पैगंबर खत्मी मर्तबत कि ये अफराद की जो कल गालियां दे रहे थे, कांटे बिछा रहे थे, हमारे आड़े आ रहे थे, और आज ये कसीदा पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मोहम्मद तुम करीम हो, तुम्हारे वालिद करीम थे, तुम्हारे दादा करीम थे, तुम्हारा खानदान करीम है, तुम सब करीम घराने से ताल्लुक रखते हो। पैगंबर ने कहा हुआ क्या आखिर, ये किस बुनियाद पर इतनी तारीफें हो रही हैं, खैरियत तो है।
का आपका सहाबी मक्के की गलियों में अलम लिए हुए ऐलान कर रहा है अलियोम यौमुल मलहमा, आज जो भी इस्लाम नहीं लाएगा मार दिया जाएगा। पैगंबर ने कहा बुला उसको, पैगंबर ने बुलाया अमीरुल मोमिनीन को करीब बुला के अलम इस्लाम उससे लेके अली के हवाले किया, कहा अली जाकर मक्के की गलियों में ऐलान कर दो अलियोम यौमुल मरहमा, आज दरगुजर करने का दिन है, आज बख्श दिए जाने का दिन है, आज माफ करने का दिन है। पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन की जिस अलम हवाले किया, अमीरुल मोमिनीन चले अलम लिए हुए मक्के गलियों में ऐलान कर रहे थे आज माफ करने का दिन है, आज दरगुजर करने का दिन, दरगुजर करने का दिन है, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने का दिन है। उफ, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए गए हों, जिसे गालियां दी गई हों, जिसके ऊपर तोहमतें इल्जामात लगाए गए हों, जिसकी जान ले लेने के दर पे हों, जिसके बेटे के इंतकाल पे उसको अबतर के ताने दिए गए हों, जिसको मक्के से निकाला गया हो, जिससे जंगें लड़ी गई हों, जिसके दांतों को जख्मी तोड़ा गया हो, जिसके बदन को जख्मी किया गया हो, और वही मोहम्मद कह रहा है कि आज हमने दरगुजर कर दिया, आज हमने माफ कर दिया। यह है पैगंबर का अखलाक दुश्मनों के साथ, यह है पैगंबर का अखलाक और किरदार मुखालिफों के साथ, और यही वो मौका है। लेकिन जाहिर जर्फ होना चाहिए ना, जर्फ, लेकिन ये थे ही कम जर्फ, ये थे ही कम जर्फ कि इतने के बाद तो वाकई इनको पैगंबर का हो जाना चाहिए था, लेकिन जबान से तो इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा लेकिन दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह को उतारा नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम और अहले बैत पैगंबर इस्लाम के ये हमेशा दुश्मन रहे। यही वो मौका है, यही वो हालात थे कि जिसका हवाला जनाब सानिय जहरा ने यजीद के दरबार में दिया था। ये पैगंबर की खिदमत में आने वाला कौन था? अबू सुफियान, यजीद का दादा, जो सारे मक्के वालों को लेके आया था कि आप करीम, आपके दादा करीम, आपके वालिद करीम, आपका खानदान करीम। और पैगंबर ने कहा था ठीक है हमने दरगुजर किया, जाने दो। लेकिन जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है, काफिले को असीर किया गया है, असीर करके इसी काफिले को दरबारी यजीद में लाया गया है, यजीद तख्त पे बैठा हुआ फख्र कर रहा था कि आज हमारे बद्र उहद वाले अजदाद होते तो हमको बड़ी शाबाशी देते कि यजीद शाबाश तूने खूब बदला लिया, एक एक से बदला लिया, चुन चुन के बदला लिया तूने। उसी मौके के ऊपर जनाब सानिया जहरा जैनब कुबरा ने खुतबा दिया है, उस खुतबे में जो पहला जुमला बीबी ने इसी यजीद मलून को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया है, यबनत तुलका, ए मेरे नाना की आजाद किए हुए गुलामों की औलादो, कल मेरे नाना ने तुमको छोड़ दिया था, तुमको माफ कर दिया था, तुमको दरगुजर किया था, क्या उसका बदला यही है कि उनकी आल को कत्ल किया जाए? क्या उसका बदला यही है कि उनकी आल को असीर किया जाए? क्या उसका बदला यह है कि उनकी आल को असीर करके और कैदी बना के दरबार में लाया जाए और इन नामहरमों के मजमे में खड़ा किया जाए? आजादारों, बस यही वो मौका था कि दरबार में एक इनकलाब की कैफियत पैदा हो गई। यजीद मलून तख्त पे बैठा हुआ है, उसने जिस वक्त यह मुतालबा किया है कि शिमर जरा सा तारुफ तो करा, और शिमर मलून तारुफ करा रहा है, एक एक बीबी का तारुफ हो रहा है, एक एक बीबी का तारुफ करा रहा है शिमर, ये रुकैया है, ये सुकैना है, ये उम्मे लैला है, ये उम्मे फरवा है, ये उम्मे कुलसूम है। लेकिन उसी वक्त महसूस किया कि एक बीबी ऐसी भी है कि जिसके आगे जब तारुफ कराना चाहता है तो फिजा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका तारुफ नहीं कराने दे रही है। बस एक मरतबा शिमर नैजा लेके आगे बढ़ता है, चाहता है कि फिजा को जैनब के सामने से हटाए और जैनब का तारुफ कराए। बस एक मरतबा सानिया जहरा जनाबे, एक मरतबा जनाबे फिजा इसी दरबार में यजीद की पुश्त पर खड़े हुए अपनी कौम के लोगों को मुखातब कर कहती हैं, ए मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? बरसरे दरबार तुम्हारी ही कौम की खातून को जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, तुमको शर्म भी नहीं आती? इन हबशी गुलामों ने तलवारें खींची, यजीद के सामने आ गए, यजीद के सामने आके कहते हैं, शेमर
یزید شمر کو روک لے ورنہ ابھی اسی دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یہ فقر زینب نے اپنے کانوں سے سن لیے، بس ایک مرتبہ فرار کرو کر کے آواز دی، اے میرے غیرت دار بھیا عباس، ارے ذرا یزید کے دربار میں، آج اس یزید کے دربار میں فضا کے بچانے والے موجود، لیکن ہائے تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یزید کا بڑا دربار ہے، اہل حرم قیدی بنے ہوئے کھڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون، بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ معبود شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا، شب مناجات، ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے، معبود ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کی آخرت بخیر فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔